हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ये वाला पैटर्न लेके आई हूँ, क्रोशे का पैटर्न है फ्रेंड्स। इसे आप लेडीज जैकेट, कार्डिगन, गर्ल्स की टॉप पे, बच्चों के ड्रेसेस पे, किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। शॉल वगैरह बनाना चाहो तो शॉल भी बना सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तरफ से लगभग एक जैसा ही दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, आइए बना के बताते हैं कैसे बना है ये डिजाइन। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहले से हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली कोई नई वीडियो मिस ना हो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे बनाए प्रोजेक्ट पसंद आ रहे हैं तो अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर किया कीजिए, ताकि आपके साथ साथ वो सब भी एंजॉय कर पाए। तो आइए करते हैं स्टार्ट, ये डिजाइन कैसे बना है। इसके लिए ये बेसिक रो तैयार कर रखी है मैंने, ये देखिए। करते हैं डिजाइन स्टार्ट, यहीं से डिजाइन स्टार्ट कर देंगे हम। यहाँ चार चेन बना लेंगे, दो तीन चार, और यहाँ से एक दो तीन छोड़ेंगे, चौथे पे टप कर देंगे, फिर एक दो तीन चार, एक दो तीन छोड़ेंगे, चौथे पे टप कर देंगे। ये पूरी रो हमने इसी तरह बनाई। इसी तरह से बनेगी, ये देखिए एक रो बना लिया हमने। नेक्स्ट रो पे आते हैं, यहाँ हम दो चेन कर लेंगे और यहाँ पर एज स्टिच लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक चेन बना लेंगे, सॉरी दो चेन बना लेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए, इस तरह से बनाएंगे एक स्टिच, इसको पूरा नहीं बनाएंगे, फिर से इसको रोल करेंगे और दो स्टिच, उनको क्रोशे हुक पे ही रहने देंगे, फिर से रोल करेंगे तो ये वाला स्टिच है इसके दूसरी तरफ आ जाते हैं, एक फिर से, ये देखिए। अब हमारे क्रोशिया हुक पे पांच स्टिच आपको दिखाई देंगे, ये देखिए। अब इन पांचों को एक ही बार में ऐसे बना लेंगे और फिर से दो चेन बनाएंगे। नेक्स्ट ये वाला स्टिच दिख रहा है, यहां पे आ जाएंगे, एक दो, अब दूसरी तरफ आ गए, एक और दो, ये देखिए पांच स्टिच आ गए हमारे क्रोशिया हुक पे। तो पांचों को एक साथ बना लेना है और इसके बाद दो चेन बना लें। एक और दो, एक और दो, ये देखिए। अब पांचों को एक साथ बनाएंगे और दो चेन कर लेंगे, एक दो, एक दो, और ये यहाँ दो चेन कर लेंगे और यहाँ पर एक एज स्टिच लगा लेंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, एक रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट रो पे आ जाते हैं। यहाँ पर पहले हम दो चेन कर लेते हैं और यहाँ पर इस तरह से टक कर लेंगे। इसके बाद चार चेन बनाएंगे तो यहाँ पे टक करेंगे, फिर चार चेन, फिर चार चेन करेंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स हम दो चेन बना के यहाँ लास्ट में टक कर लेंगे। ये देखिए, ये रो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट रो पे आ गए। यहाँ पर हमने क्या करना है, दो चेन बनानी और ये देखिए यहाँ पे ये स्टिच दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डिजाइन बनाना है हमने। एक, दो, एक और दो, पांचों को इकट्ठा बना लेना। दो चेन बनाएंगे और नेक्स्ट एक, दो, एक और दो, फिर से दो चेन बनेंगे, यहाँ दो चेन बनाएंगे और एक एज स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डिजाइन इस तरह से बनता चला जाएगा। ये देखिए बहुत खूबसूरत डिजाइन है फ्रेंड्स और बहुत इजी है। अब आप बनाइए और देखिए, मुझे बताइए कैसा है डिजाइन। Thanks for watching.